एक साल से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस जंग की वजह से गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। 60% इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए उन इलाकों को बर्बाद कर दिया जो कभी लाखों लोगों का घर हुआ करते थे। इजराइल के हवाई हमलों का सबसे ज्यादा असर खान यूनिस, गाजा सिटी और जबालिया शहर पर पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 20 लाख आबादी वाले गाजा पट्टी में जंग शुरू होने के बाद से इस साल जून तक 39 मिलियन टन मलबा पैदा हुआ था। इसमें रेत, बिना फटे बम, एस्बेस्टस, खतरनाक पदार्थ और यहाँ तक कि लोगों के अवशेष भी शामिल है। जब मैंने इस जगह को छोड़ा, मैं कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। मैं 2008, 2014, 2012, 2019 और 2021 के युद्धों से गुजर चुका हूं, लेकिन मैंने इतनी मौतें कभी नहीं देखी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि इन बर्बाद हो चुके घरों को फिर से पहले जैसा बनाने में 80 साल लगेंगे। बात करें खान यूनिस शहर की, तो ये गाजा दक्षिण में बना एक सैकड़ों साल पुराना शहर है। हॉस्पिटल, मस्जिद और स्कूल को इजरायली तोपखानों ने मलबे में तब्दील कर दिया। इजराइल का कहना है कि हमास आतंकियों का सफाया करने के लिए इस तरह के हमले जरूरी हैं। वहीं गाजा पट्टी में सबसे उत्तर में जबालिया शहर है। जबालिया अपने घनी आबादी वाले कैंप्स के लिए जाना जाता है। ये शहर इजरायली हमलों में पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इजरायली सेना ने इस इलाके को हमास के प्रमुख सेंटरों में से एक बताया था। ऐसी ही और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।